से शंख के माध्यम से उद्घोष होने जा रहा है, उस उद्घोष को सुने। गायत्री माता की जय, यज्ञ भगवान की जय, श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, विवादिपति महाकाल की जय। आइए यज्ञ के क्रम को प्रारंभ करते हैं। जो लोग ऐसे हैं जो नए जुड़ रहे हैं अंत्योदया योगा टीम की तरफ से, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप अपने पूजा स्थल पर या जहां आपको जगह मिले आप वहां अपने दीपक की थाली के साथ बैठे और हमारे साध्यात्मिक प्रयोग दीप महायज्ञ में साथ साथ चलें और साथ साथ इस प्रयोग को करते जाएं। क्रम आगे बढ़ाएंगे दीप यज्ञ का। आइए हम यहाँ पे गीत ले रहे हैं, गीत के बोल हैं, मनुजता विकल है, लुटी जा रही है, पतन की कहानी यही रोक दो माँ। हम विश्व माता से, देव माता से, जगत जगत जननी जगदम्बा से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे माँ, ये जो कोरोना वायरस है, चाहे दुनिया में बहुत प्रकार की आपदाएं हैं, आज एक छोटी सी आपदा या छोटी नहीं कह के बड़ी आपदा कहें जिसे अभी हम लोग देख रहे हैं, लेकिन ध्यान इस आपदा की तरफ सभी का गया है, लेकिन आपदाओं से हम घिरे हुए हैं, मनुष्यता त्रस्त है, मनुष्य अपने मार्ग से पदभ्रमित हो गया है, मनुष्यता जानी कहीं और थी जा कहीं और रही है, लोग अपने मार्ग से हट गए हैं, लोगों का चिंतन अपने हट गया है, लोगों का स्वभाव बदल रहा है, विकृतियां इतना ज्यादा जड़ जमा ली थी कि शायद प्रकृति को ही जानबूझकर अपनी ही बनाई व्यवस्था में हस्तक्षेप करना पड़ रहा है। तो ये गीत जो प्रेजेंट टाइम की सिचुएशंस की अभिव्यक्ति करता है, हमें मार्गदर्शन भी करता है, हमारी गलतियों को भी हमें बताता है कि कहां पे कौन सी ऐसी गलती की है जिसकी वजह से हम इस आपदा, इस विपत्ति, इस महामारी के हम लोग शिकार हुए हैं। आइए उस गीत को सुनते हैं और प्रार्थना करते हैं। इसमें प्रार्थना के भाव, प्रार्थना के बोल कुछ ऐसे हैं कि आप अंदर से द्रवित हो जाएंगे, आपका हृदय में वो बात समझ में आएगा कि माँ ऐसी क्या स्थिति बनी जिसकी वजह से हमें ऐसी संकट से झेलना पड़ा। आइए माँ से वो प्रार्थना भरा गीत हम लोग सुनते हैं। आप सभी कमर गर्दन सीधी करके बैठे, आंखें बंद कर ले और मन ही मन अपने भाव भगवान से जोड़े। मनुजता विकल है, लुटी जा रही है, पतन की कहानी यही रोक दो माँ। मनुजता विकल है, लुटी जा रही है, पतन की कहानी यही रोक दो माँ। किसे हम पुकारे, किसे हम निहारे, हमारे लिए बस तुम्ही एक हो माँ। मनुजता विकल है, लुटी जा रही है, पतन की कहानी यही रोक दो माँ। तुम्ही से मिली जिंदगी इस मनुज को, भटकते न जाने कहाँ घूमते हैं। तुम्ही से मिली जिंदगी इस मनुज को, भटकते न जाने कहाँ घूमते हैं। सभी कुछ इन्हें याद रहता जगत में, हुआ क्या इन्हें जो तुम्हें भूलते हैं। करी है कपूती सुदुख पा रहे हैं, मगर आप थामो इन्हें राह दो माँ। मनुजता विकल है, लुटी जा रही है, पतन की कहानी यही रोक दो माँ। करोगी तुम ही पर हमें साथ ले लो, सृजन मोर्चे पर चरण रोप देंगे। करोगी तुम ही पर हमें साथ ले लो, सृजन मोर्चे पर चरण रोप देंगे। तुम्हारा दिया कुछ
या मरे माँ तुम्हारे ही बनकर हमें एक ऐसी अडिग चाह दो माँ। मनुज दाविकल है लुटी जा रही है पतन की कहानी यही रोक दो माँ। किसे हम पुकारे किसे हम निहारे हमारे लिए बस तुम्ही एक हो माँ। मनुज दाविकल है लुटी जा रही है पतन की कहानी यही रोक दो माँ। पतन की कहानी यही रोक दो माँ। पतन की कहानी यही रोक दो माँ। पवित्रीकरणम्। पवित्रता देवत्व से जुड़ने की पहली शर्त है। अगर पवित्रता हम अपने अंदर धारण कर लें तो भगवान से जुड़ने के लिए या किसी भी महान उद्देश्य से जुड़ने के लिए हम अनुकूल हो जाते हैं। आइए थोड़ा सा जल अपने लेफ्ट हैंड में लीजिए और उसको राइट हैंड के फाइव फिंगर से उसे ढक लीजिए और उसके हम यहां से मंत्र बोल रहे हैं। मंत्र बोलने तक आप उसे होल्ड रखें, तत्पश्चात उसे अपने ऊपर पूरे छिड़काव कर लेंगे। या चम्मच हो तो चम्मच से छिड़काव कर लेंगे, पुष्प हो तो पुष्प से कर लेंगे। अपने ऊपर जल की वर्षा आपको करनी है। हम यहां से मंत्र बोल रहे हैं, मंत्र की भावनाएं समझाई जाएंगी, कुछ हिंदी में उसके अर्थ दोहराए जाएंगे, उनको ध्यान से सुने। हिंदी में बोले हुए प्रार्थना को सुने और संस्कृत वाले सूत्रों को आप हमारे बाद में दोहराएंगे साथ साथ। हमारा शरीर धुल रहा है, हमारा शरीर धुल रहा है, आचरण पवित्र हो रहा है, आचरण पवित्र हो रहा है, हमारा मन धुल रहा है, हमारा मन धुल रहा है, विचार पवित्र हो रहे हैं, विचार पवित्र हो रहे हैं, हमारा हृदय धुल रहा है, हमारा हृदय धुल रहा है, भावनाएं पवित्र हो रही हैं, भावनाएं पवित्र हो रही हैं। ओम पवित्रता मम, ओम पवित्रता मम, मनः काय मनः काय अंतःकरणेषु अंतःकरणेषु संविशे संविशे। भावना करें कि हमें पवित्रता का अनुदान मिला, हम अंदर बाहर से पवित्र हो गए। हाथ जोड़कर प्रार्थना करें, पवित्रता हमें सन्मार्ग पर चलाए। ओम पवित्रता नः, ओम पवित्रता नः, सन्मार्गम नयेत् सन्मार्गम नयेत्। पवित्रता हमें महान बनाए। ओम पवित्रता नः, ओम पवित्रता नः, महत्तम प्रयक्षतु महत्तम प्रयक्षतु। पवित्रता हमें शांति प्रदान करे। ओम पवित्रता नः, ओम पवित्रता नः, शांतिम प्रददातु शांतिम प्रददातु। प्राणायामः। सूर्य इस सारे विश्व में प्राण का संचार करता है। इस पूरे विश्व में प्रकृति ने एक ऐसा प्राण, एक ऐसा दिव्य प्राण संचालित कर रखा है कि जिससे पादप वृक्ष वनस्पति जीव मनुष्य सभी लोग उससे संचालित हो रहे हैं, सभी लोग उसे कर रहे हैं। लेकिन आप देखें तो वृक्ष और पशुओं में प्राण को संजोने की कम क्षमता होती है। मैं ये नहीं कहना चाहता उनमें क्षमता नहीं होती। छोटी सी चींटी को देखें, हाथी को देखें, सभी के अंदर बहुत बड़ी बड़ी विशेषताएं, लेकिन मनुष्य से जब कंपैरिजन हम करते हैं, जब तुलना करते हैं, तो मनुष्य में प्राण की इतनी ज्यादा क्षमता, इतनी अकूत क्षमता भगवान ने भरकर भेजी है और वो सामर्थ्य दी है हमारे भावनाओं में कि अगर हम चाहें तो प्राण के उस संसर्ग को स्थापित करके, प्राण को धारण करके हम पशु से भगवान बन सकते हैं, मनुष्य से संत, संत से देव मानो, देव मानो से महामानो और महामानो से हम स्वयं। आपने देखा होगा एक छोटे से राम लक्ष्मण, हमारे यहाँ अवतारी चेतना भगवान राम और भगवान लक्ष्मण कहलाते हैं। उत्तर प्रदेश के कपिलवस्तु में जन्मे भगवान सिद्धार्थ भगवान बुद्ध कहलाते हैं, महावीर भगवान महावीर कहलाते हैं।
हमारे यहाँ ही ये परिपाटी है कि अणु विभू अणु वो व्यापक बन सकता है, एक छोटा सा जीव उस परम ब्रह्म को प्राप्त कर सकता है, तभी कहा गया है अहम ब्रह्मास्मि, हम उस ब्रह्म को छू सकते हैं और हम उस ब्रह्म से अलग नहीं है। ऐसी परिपाटी सिर्फ भारतीय संस्कृति में ही मिलती है, जहां की एक क्षुद्रता से महानता की तरफ चलने का एक महान रास्ता खोलता है, वह विधि है प्राणायाम की। आइए प्राणायाम की विधि की क्रिया और भावना समझें और उस प्रक्रिया को करें। प्राणायाम के लिए आप सभी कमर गर्दन सीधी करके बैठे, आंखें बंद कर ले, दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में अपने गोद में रखें, लेफ्ट हैंड नीचे राइट हैंड ऊपर, आंखें बंद कर ले। प्राणायाम से हर कोई समझ गए होंगे कि आपको श्वास लेने और छोड़ने की क्रिया को करना है, लेकिन जागरूकता के साथ। आप श्वास लेंगे, लंबी गहरी श्वास लेंगे, थोड़ी देर भीतर रोकेंगे और फिर छोड़ देंगे श्वास को, और फिर श्वास को रोक लेंगे। भावना क्या करनी है कि आप प्राण को श्वास के साथ भीतर ले रहे हैं, उस प्राण को अपने भीतर रोक रहे हैं और धीरे धीरे श्वास छोड़ रहे हैं, तो अपने भीतर के दूषित प्राण को, अपने भीतर की बुराइयों को बाहर निकाल रहे हैं और फिर आप श्वास रोक दें। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि पराशुव यद्भद्रं तन्नराशुव। धीरे धीरे दोनों नथुने से श्वास खींचें, थोड़ा रोकें, धीरे से छोड़ें, थोड़ी देर बाहर रोकें। प्राणायाम के साथ भावना करें, हमारा रोम रोम सविता का तेज सोख रहा है, हमारा शरीर प्राणवान बन रहा है, हमारा मन सविता का तेज सोख रहा है, हमारा मन तेजस्वी हो रहा, हमारा हृदय सविता का तेज सोख रहा है, हमारा हृदय तेजोमय हो रहा है, हम बाहर भीतर से तेजोमय हो गए हैं। अब दोनों हाथ जोड़कर हमारे साथ साथ दोहराएं, हे विश्व के स्वामी, हे विश्व के स्वामी, हे महाप्राण, हे महाप्राण, हमें बुराइयों से छुड़ाइए, हमें बुराइयों से छुड़ाइए, श्रेष्ठताओं से जोड़ दीजिए, श्रेष्ठताओं से जोड़ दीजिए। बस यही भाव कि हमारे अंदर दिव्य प्राण का संचार हुआ, ऐसा अनुभव करें। चंदन धारणम, सारे शरीर के संचालन की प्रक्रिया विचारों के माध्यम से होती है, और ये हमारा जो आज्ञा चक्र है, मस्तिष्क जो हमारे विचारों का ध्रुव केंद्र है, जिसे हम आज्ञा चक्र, पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड जहाँ पे होता है, उसका ये मूल बिंदु है। यहाँ पे तिलक लगाते हैं, क्यों? क्योंकि हमारी बुद्धि, हमारा विवेक अगर हमारे वश में है, अगर ये आवेश से बाहर चला गया तो फिर क्या होता है कि ये वैसे हो जाएगा जैसे रथ पे बैठा हुआ कोई रथी उन घोड़ों की जो बागडोर है अगर उसे छोड़ दे तो वो घोड़े उस रथ को कहीं भी ले जाके पटक देंगे। ऐसे ही अगर हमने अपनी बुद्धि, अपने मन और इस बुद्धि का संचालन छोड़ दिया तो हमारे जीवन के साथ कुछ भी अनिष्ट और कुछ भी होगा, अनर्गल तरीके से हम किसी भी तरफ चले जाएंगे। तो सब विचारों का ये केंद्र यहाँ पे चंदन लगाते हैं कि हमारी बुद्धि सन्मार्ग गामी हो, ये सन्मार्ग की तरफ ले चले हमसे, ताकि हम जीवन के सुपथ की ओर आगे बढ़ सके। आइए सभी लोग अपनी अनामिका उंगली में, यानी अपने राइट हैंड के रिंग फिंगर में चंदन ले ले, जो आपने अपनी थाली में चंदन लिया है। और मान लीजिए आपके पास चंदन अवेलेबल नहीं है तो आप माँ पृथ्वी के रज को ही, उनके कणों को ही ले ले हाथ में। इस तरह से भावना करें कि आपने माँ पृथ्वी के रज कणों को अपने उंगली में लिया है और इस तरह से मुद्रा बना ले। और हम यहाँ से जो बोल रहे हैं उस भावना को उस चंदन के साथ जोड़ें और फिर चंदन लगाएंगे, एक दूसरे को लगा सकते हैं या फिर नीचे से ऊपर की ओर खुद को लगाएं। हमारा मस्तिष्क शांत रहे। ओम मस्तिष्कम, ओम मस्तिष्कम, शांतम भूया, शांतम भूया, इसमें अनुचित आवेश प्रवेश न करने पाए। ओम अनुचिताः, ओम अनुचिताः, आवेशः, आवेशः, मा भूया, मा भूया, हमारा मस्तिष्क सदा ऊंचा रहे। ओम शीर्षम, ओम शीर्षम, उन्नतम भूया, उन्नतम भूया, इसमें विवेक सदैव बना रहे। ओम विवेकः, ओम विवेकः, स्थिरी भूया, स्थिरी भूया, गायत्री मंत्र के साथ एक दूसरे को चंदन लगाएं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि
हियो यो नः प्रचोदयात्। संकल्पः, संकल्प ईश्वर के अनुशासन को अपने जीवन में धारण करने की प्रक्रिया को कहते हैं। मित्रों, युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी का कथन है कि मनुष्य महान है, लेकिन उससे भी महान है उसका सृजेता। ये मनुष्य जो इतनी कारीगरी करता है, जो इतने सारे चमत्कार दिखाता है, इतनी सारी वैज्ञानिक खोजें करता है, लेकिन जिसने इस दुनिया को बनाया, जिसने उस मनुष्य को बनाया, कितना अद्भुत बनाया कि कोई भी व्यक्ति एक से दूसरा मिलते नहीं है। सभी के अंदर अलग प्रतिभा, अलग गुण, अलग सौंदर्य और भिन्न भिन्न प्रकार की ऐसे सौंदर्य उन्होंने स्थापित किए। वो जो महान सृजेता है उनका क्या कहना है, इन दिनों मनुष्य मात्र पर समस्याओं के संकट के जो बादल छाए हुए हैं उनका निवारण इस सृष्टि में केवल मनुष्य ही कर सकता है। यदि मनुष्य को उचित मार्ग न सूझ पड़े अथवा उसकी शक्ति कम पड़े तो बचने का एक ही मार्ग है। क्या मार्ग रह जाता है कि सृजेता से अधिक प्रखर सूझबूझ एवं शक्ति प्राप्त की जाए। समस्याओं का समाधान तो हमें स्वयं ही करना होगा, क्योंकि जिस सृजेता ने इस सृष्टि की रचना की है उसमें हमें स्वतंत्रता के साथ पूरा पावर भी दिया है कि इसमें कुछ अगर चीजें बिगड़ जाती हैं तो उसमें क्या हम सही चीज कर लेंगे तो वो चीजें ठीक हो जाएंगी। तो उसके लिए क्या बताया कि प्रखर सूझबूझ एवं शक्ति की आवश्यकता पड़ेगी। आज ऐसी ही स्थिति है, जब कोरोना वायरस जैसी आपदा पूरे जन जन में व्याप्त है, जब मनुष्य स्वयं पैदा किए हुए संकटों के सामने अपने को लाचार अनुभव कर रहा है, ऐसे में परमात्म सत्ता से नई सूझबूझ की अपेक्षा है। पूज्य गुरुदेव का वचन है कि सृजेता परमात्मा उज्जवल भविष्य की संरचना का संकल्प कर चुके हैं। सूक्ष्म जगत में वो प्रवाह प्रवाह उमड़ रहा है, उसे स्थूल दृश्य रूप देने के लिए शरीरधारी ईश्वर निष्ठों की आवश्यकता है। इसमें ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि ऐसे देव मानव, ऐसे महामानव, ऐसे लोग से भी राष्ट्रनिष्ठ लोग, जिसमें हम अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लेंगे, गृह मंत्री अमित शाह जी को लेंगे, हमारे एनएसए अजीत डोभाल जी को हम लेंगे, और ऐसे बहुत सारे लोग, जितने भी डॉक्टर्स हैं, ना कि सिर्फ भारत के बल्कि पूरे विश्व के, विश्व स्वास्थ्य संगठन के, ऐसे हमारे जितने राजनेता हैं जो अच्छे कार्य में लगे हुए हैं, ऐसे हमारे मंत्री, ऐसे हमारे पुलिस के सभी कर्मी, ऐसी हमारी नर्सेस और नर्स भाई बहने जितने हैं, वो सारे लोग जो इस आपदा के लिए जूझ रहे हैं, उन लोगों ने समस्या से एक कदम आगे पैर बढ़ाकर इस समस्या से दो दो हाथ करने का निर्णय लिया है। लेकिन इसके पीछे उस सृजेता का एक जो दिव्य वलय है, वो जो प्रचंड ऊर्जा है, वो काम कर रही है। उसी ऊर्जा को माध्यम बनाने के लिए ये आध्यात्मिक प्रयोग किए जाते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा इसमें कि ये पहली बार नहीं है जब हम लोग ऐसा आध्यात्मिक प्रयोग कर रहे हैं। हमारे ऋषियों ने इस आध्यात्मिक प्रयोग से बहुत बड़े बड़े प्रयोग किए हैं। दो छोटे छोटे राजकुमार जो राम लक्ष्मण के नाम से, वो भी निर्वासित राजकुमार जो अयोध्या से निकाल दिए गए थे, जिनके साथ कोई खड़ा होने तैयार नहीं था, उनके माध्यम से कितने बड़े लंका पे चढ़ाई की गई और रावण के मनोबल को पदरस्त किया गया, उनको मनोबल को तोड़ा गया, कंस को हटाया गया और तोड़ा गया। आज जरूरत आन पड़ी है कि जैसे अभी प्राचीन काल में हम थोड़े से, अगर हम 20 साल 25 साल 30 साल पहले जाएं तो अभी स्काई लैब के बारे में आपने सुना होगा कि एक यान ऐसा था जो गिरने वाला था, जो अमेरिका से लेके भारत और कई ऑस्ट्रेलिया के कई जगहों पे गिर के जो मनुष्यता को नष्ट करने पे तुला हुआ था, उसके लिए आध्यात्मिक प्रयोग किया गया था। आधे घंटे का 9 से 9:30 बजे का मंत्र जप का विशेष अनुष्ठान किया गया था। और भाइयों बहनों, में हम आपको गर्व के साथ बताएं कि 9 से 9:30 के बीच में ही स्काई लैब गिरा था। ऐसे बहुत सारे अष्टाग्रही योग के बारे में आपने सुना होगा, ऐसे बहुत सारे आध्यात्मिक प्रक्रियाओं के में ये आध्यात्मिक क्रियाएं काम आती हैं। आइए इस आध्यात्मिक क्रिया के माध्यम बने कुछ ईश्वर के जो अनुशासन है उन्हें हम रिपीट करेंगे। अपने दाएं हाथ को मुट्ठी बना ले, अंगूठा अंदर, इस तरह से टाइट मुट्ठी बनाए। ये स्थिति संकल्प लेने की है। हमारे साथ हिंदी के सूत्र को सुने और संस्कृत के सूत्र को साथ साथ दोहराए। हम ईश्वर का अनुशासन स्वीकार करते हैं। हम ईश्वर का अनुशासन स्वीकार करते हैं। ओम ईशानुशासनम, ओम ईशानुशासनम, स्वीकरोमि, स्वीकरोमि, मर्यादाओं का पालन करेंगे। ओम मर्यादाम, ओम मर्यादाम च,
चरिष्यामि चरिष्यामि। जो वर्जित है वे आचरण नहीं करेंगे। ओम वर्जनीयम ओम वर्जनीयम। नो चरिष्यामि नो चरिष्यामि। हाथ जोड़कर प्रार्थना करें और शब्द है उनको दोहराएं। हे महाकाल हे महाकाल, उज्जवल भविष्य की रचना के लिए अपने संकल्पों को पूरा करने के लिए हमें उपयुक्त शक्ति मनोवृत्ति तथा प्रेरणा दें। हे प्रभो हे प्रभो, हमारे संकल्प पूरे हों हम सुख सौभाग्य श्रेय पुण्य तथा आपकी कृपा के अधिकारी बने आपसे दिव्य अनुदान पाने और उन्हें जन जन तक पहुँचाने की हमारी पात्रता बढ़ती रहे गुरु वंदना। गुरु एक ऐसी शक्ति जिनके बारे में आप सभी परिचित हैं, जिन हमारे गुरुओं के बारे में हमारे भारतीय संस्कृति में बहुत बड़ा इतिहास और अध्याय रहा है, जिनके बारे में कहा गया है कि गुरु गुरु गोविंद दो खड़े काबू लागो पाए बलिहारी गुरु आपने गोविंद। ईश्वर तक पहुंचने का सर्वश्रेष्ठ मार्ग जो बताने का जो बीच का ब्रिज है वो गुरु चेतना है। आइए उस गुरु चेतना को नमन करें। हाथ जोड़ ले सर झुका ले आंखें बंद कर ले मंत्रों के साथ अपनी भावनाओं को जोड़े। ओम अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम संभवम संभव कर्तुमुद्यतम प्रचंड झंझार निरोध सक्षमम युगस्य निर्माण कृते समुद्यतम परम महाकाल नमः नमाम्यहम् परम महाकाल नमः नमाम्यहम्। मां गायत्री का आवाहन करेंगे। ॐ माया द्वारे देवी त्रयक्षरे ब्रह्म वादिनी गायत्री छंद सामाता ब्रह्म योनि दी गई। अग्नि को गुरु और आराध्य और पुरोहित का दर्जा दिया गया है। अग्नि से बहुत कुछ सीख सकते हैं हम। अभी ये हम दीप यज्ञ कर रहे हैं, इसमें ये दीपक जलने वाले हैं, इन दीपकों में बहुत बड़ी प्रेरणा छुपी हुई है। अग्नि की गति ऊपर की ओर होती है और सहज ही होती है। अग्नि के सानिध्य से मनुष्य ऊपर उठना सीख ले तो पतन का प्रश्न ही ना उठे। अग्नि को आप देख लीजिए कि अगर जलने वाली उसके फ्लेम को अगर आप नीचे की तरफ कर दे तभी वो ऊपर की तरफ चलती। इट मींस कि अग्नि की फ्रीक्वेंसी ऐसी है कि किसी भी परिस्थिति में वो उस परिस्थिति से प्रभावित नहीं होगी। हंस की परिस्थिति मानसिकता कैसी होती है, या हंसा मोती चुभे या लंघन कर जाए। ऐसा नहीं है कि हमारे जीवन में विपरीत परिस्थिति आ गई तो हम घुटने टेक देंगे। आपने वीर शिवाजी का नाम सुना होगा, आपने वीर सावरकर का नाम सुना होगा, इतने साल अंडमान जेल में रहे लेकिन उन्होंने कभी घुटने नहीं टेके। आपने सरदार भगत सिंह का नाम सुना होगा, चंद्रशेखर आजाद का, बापू गांधी का नाम सुना होगा। आपने जितने महापुरुषों को, जितने देव मानवों को, जितने संतों को, उन्होंने हरिश्चंद्र का नाम सुना होगा, भगवान राम का नाम सुना होगा, आपने जितनों का नाम सुना है, इन लोगों में क्या खास बात थी? खास बात वो थी कि इनकी एक जो फ्रीक्वेंसी होती है वो इतना एग्जैक्ट होती है, इतना प्रॉपर होता है, इतना सेलेक्ट इनके फ्रीक्वेंसी इतनी में इतनी सेलेक्टिविटी होती है कि परिस्थितियां कुछ भी हो वो अपना मार्ग नहीं छोड़ते थे। क्या बोलते थे कि ये शरीर आज नहीं है, फिर शरीर बदल के वापस आ जाएंगे, तो वो कभी प्रभावित नहीं हुए। लेकिन आज के समय में मनुष्य बहुत ज्यादा डरा हुआ है, बहुत प्रभावित हो गया, कैसे घर में 21 दिनों तक रहेंगे, कैसे संयोग बिठाएंगे, बहुत सारी चीजें। अगर हम ध्यान से देखें, अभी हम उसको डिस्कस भी करने वाले हैं कि कैसे ये कोरोना की ये जो आपदा और महामारी है ये हमारे लिए लाभकारी कैसे है, अभी हम थोड़ी देर में उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन हमें यह आज जानने और समझने और सीखने की आवश्यकता है कि हम
परिस्थिति मनस्थिति बदले तो परिस्थिति बदले, हम परिस्थिति के अनुसार अपनी मनस्थिति ना बनाए, अपनी मनस्थिति हर परिस्थिति में कुछ यूं बनाए कि अब इस परिस्थिति में हम अपने किस प्रकार से काम करेंगे, उसको कहते हैं अग्नि स्थापना। आइए वेद मंत्रों से अग्नि के स्थापन यहाँ पे होने जा रहा है। आप भी अपना कैंडल हो, माचिस हो, जो भी है उसको लेके जब यहाँ से दिव्य मंत्रों का गान हो उसी समय आप अग्नि के स्थापन करेंगे। कुछ भाव हैं, पहले उन्हें समझ लें। भाव करें, हे अग्निदेव हमें ऊपर उठना सिखाएं, हमें प्रकाश से भर दें, हमें शक्ति संपन्न बनाएं, हमें आपके अनुरूप बनने तथा दूसरों को अपने अनुरूप बनाने की क्षमता प्रदान करें, हम भी आपकी तरह सुगंधी और प्रकाश बांटने लगे। मंत्र के साथ दीपक जलाएं। ओम अग्ने नय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोधस्मर्जुहुरा सब पावन बना दो हे देव। सविता को हमारे बाद रिपीट कर सकते हैं और नहीं तो आप अपने भावों से दीपक जलाएं और अपने भावों को इस मंत्र के साथ जोड़ें। शुभ ज्योति के पुंज अनादि अनुपम ब्रह्मांड व्यापी आलोक करता यहां से दी जाएंगी। हम लोग 12 टाइम्स 12 बार गायत्री मंत्र की विशेष आहुतियां यहां से समर्पित करेंगे। आपको करना क्या है, ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि देवो न प्रचोदयात् स्वाहा बोलना है। जैसे हम यज्ञ कुंड में स्वाहा के साथ आहुतियां देते हैं ऐसे ही आपको स्वाहा बोलकर भाव रूप में आहुतियां देनी है। ये जो अग्नि है, ये जो दीपक है, ये प्रकाश रूप में है और ये किस जैसे सूर्य का प्रकाश है, जैसे बहुत सारे प्रकाश होते हैं उन्हीं प्रकाश के बहुत सारे माध्यमों में से एक है। तो आप इसे इसे यज्ञ कुंड समझेंगे, अपने वो जो सामने आपके दीपक जल रहा है, आपने मुझे पूरा उम्मीद है कि आपने दीपक जला लिया होगा, नहीं जला रहे तो आपने उसको जला लीजिए। उन दीपकों में आपको आहुतियां देना है गायत्री मंत्र बोलते हुए 12 टाइम्स। उसके अलावा फिर कई और सारी आहुतियां हैं, हम एक के बाद एक इंस्ट्रक्शंस आपको करते जाएंगे, हम सब साथ साथ करेंगे। आइए हृदय में वो भाव तक पहुंचे, पूरे विश्व के उन सब लोगों तक पहुंचे जो देवदूत बनकर कार्य कर रहे हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो वैज्ञानिक हैं, जो भी लोग इस देव कार्य में, इस पुनीत कार्य में जुड़े हुए हैं, भगवान उनको बहुत सारा साहस दे। और वो सारे लोग जो इसका समर्थन कर रहे हैं, जिन्होंने अपने धन के पिटारे खोल दिए हैं, जिन्होंने अपने सामर्थ्य अपने शक्ति के पिटारे खोल दिए हैं, भगवान उन्हें और महान बनाए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यं नमः। ओम भूर्भुवः
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृता स्वाहा इदं महामृत्युञ्जय वर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृता स्वाहा इदं महामृत्युञ्जयाय शिव गायत्री मंत्राहुतिः। तीन विशेष आहुतियां शिव गायत्री मंत्र से। शिव गायत्री मंत्र वो होता है जो हमको भीतर से आत्मबल प्रदान करने वाला होता है, जो हमारे भीतर हमारे शत्रुओं का संहार करने वाला है। नमो अरिहंताणाम, प्रथम नमस्कार उन्हें जिन्होंने शत्रुओं को मारा हो, उन्हें नमस्कार करते हैं। आइए इस भाव से शिव गायत्री मंत्र की तीन विशेष आहुतियां। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा इदं रुद्राय इदं नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा इदं सूर्याय इदं नमः। भगवान सूर्य से प्रार्थना कि इस पूरे विश्व में फैला हुआ कोरोना, ये जो वायरस है, इसको अपने तेज से अपने ताप से नष्ट कर दें। अगली आहुति माँ दुर्गा को, अभी नवरात्रि की वेला चल रही है। इस नवरात्रि के वेला में माँ दुर्गा से सबसे बड़ी चीज जो सीखने की है कि इस समय हम संगठित हो जाएं, जैसे देवताओं के रक्त से बनी हुई वह दुर्गा, देवताओं के रक्त से बनी, ऋषियों के रक्त से बनी हुई माँ सीता, वैसे ही अभी हम सबका संगठित होना ही दुर्गा शक्ति है कि हम सभी संगठित हों अपने प्रधानमंत्री के एक आवाज पे, अपने सैनिकों के, जो भी लोगों ने हमारे लिए हमारे लाइक गाइडलाइंस बनाए गए हैं, चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग का हो, चाहे वो घर में रहने का, क्वारंटाइन रहने का, घर में लॉकडाउन रहने का, और इस लॉकडाउन में इतना विशेष अभ्यास हम कर पा रहे हैं, इतना विशेष दीप यज्ञ कर पा रहे हैं, आप सुबह शाम दो समय योग कर रहे हैं, घर में बहुत सब कुछ अच्छा करने का है। उन सब शक्तियों को ध्यान करते हुए, उन सबको धन्यवाद करते हुए माँ दुर्गा की एक विशेष आहुति कि हमारे संगठन की शक्ति बरकरार रहे। ॐ गिरिजाय विद्महे शिवप्रियाय धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात् स्वाहा इदं दुर्गाय इदं नमः। महाकाल गायत्री महाशक्ति गायत्री मंत्राहुतिः। विश्वव्यापी संकट के निवारण के लिए महाकाल स्वरूप परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी को समर्पित है एक एक आहुतियां। ॐ प्रखर प्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नः श्रीरामः प्रचोदयात् स्वाहा इदं महाकालाय इदं नमः। ॐ सचरचरधाय विद्महे महाशक्ते धीमहि तन्नो माता भगवती प्रचोदयात् स्वाहा इदं महाशक्ते इदं नमः। विशेष आहुति देंगे, विशेष आहुति उन लोगों के लिए जो इस आपदा में जिन्होंने अपना विशेष योगदान दिया है, जो विशेष कृतकृत कार्य कर रहे हैं, जो विशेष कृत्य से जुड़े हुए हैं, उन सभी को नमन करते हुए उनके हम में से कितने सारे ऐसे डॉक्टर्स होंगे, कितने सारे ऐसे वरिष्ठ लोग होंगे जो जब से यह आपदा आई है अपने घरों में नहीं लौटे होंगे, अपने परिवारों में नहीं गए होंगे, उन सभी को बहुत मनोबल मिले। महामृत्युंजय मंत्र से एक आहुति इसे विशेष आहुति के रूप में मान के चल रहे हैं। ओम त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृता स्वाहा इदं महामृत्युञ्जयाय इदं नमः। पूर्णाहुति, परमात्मा अपने आप में पूर्ण है, प्रकृति जिस कार्य को प्रारंभ करती है उसे पूर्णता तक पहुंचाती है, किसी कार्य को अपूर्ण छोड़ देना प्रकृति के नियमों का उल्लंघन है। यज्ञ जैसे आध्यात्मिक प्रयोगों को पूर्णता तक पहुंचाया ही जाना चाहिए, और ये यज्ञ तो
आध्यात्मिक प्रयोग है, लेकिन जो बाहर यज्ञ चल रहा है वो एक बहुत बड़ा यज्ञ है। वो मनुष्यता के संकट से निवारण के लिए डॉक्टर्स के द्वारा, हमारी सरकार के द्वारा, हमारे विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा और जितने भी मनीषी, जितने ऋषि, जितनी देवात्माएं लगी हैं, उनका जो यज्ञ चल रहा है वो यज्ञ सफल हो, इसी भावना के साथ पूर्णाहुति करेंगे हम सभी। हम लोगों का बस एक ही काम है कि हम इसमें सहयोग करें। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। का है, आप लोग जो आपके पास थाली है उसी थाली को लेके सामने ऐसा करें, इस विराट ब्रह्म का ध्यान करते हुए आप लोग आरती करेंगे। तो यहाँ भी आरती किया जा रहा है, यहाँ से शंख और घंटी बजाई जाएगी, भगवान के पास दीपक जला हुआ है, हम लोग भी भाव रूप में यहाँ से आरती कर रहे हैं, हमारे पूरा उपाचार्य जी कर रहे हैं और आप लोग भी वहाँ पे आरती करें। इस भाव के साथ करें कि ये आरती, ये देवताओं के उतारने वाली आरती एक नया युग लेके आएगा, उज्जवल भविष्य लेके आएगा। इस भाव के साथ आरती करें। ओ शक्तियों से आपने देखा होगा कि फ्रीक्वेंसी बहुत छोटी सी होती है, दिखती नहीं है लेकिन काम बहुत करती है, सारे इंटरनेट के प्रोसेस उसी से चलते हैं। ऐसी आध्यात्मिक प्रक्रियाएं बहुत सूक्ष्म होती हैं, उनको आप देखना चाहें, आप उनको मेजर करना चाहें कि ये कैसे हो रहा है, तो उसके लिए आपको ऋषिया अर्चा ऋषियों के उस स्तर पर जाकर देखना पड़ेगा जहां उस दिव्य दृष्टि से, इन दो आंखों से उसे नहीं देख सकते, उसके लिए उस विवेक की नेत्र चाहिए होगी, उसके माध्यम से देख सकते हैं। तो आइए, आज का ये जो क्रम था ये यहाँ पे पूर्ण होता है, हमारा अंतिम क्रम है शांति पाठ का। शांति पाठ करने से पहले कुछ मैसेज जो हम आप लोगों तक पहुंचाएंगे, अभी पांच से छह मिनट का समय है जो हमारे पास है, उसमें आज के इस दीप यज्ञ में एक, इसको जब हम दीप यज्ञ को संचालित कर रहे थे तो उसके पहले जब बैठे थे हम लोगों ने प्रैक्टिस किया कि हम किस तरीके से लाइव इसको
पूरे विश्व के सभी लोग। अभी आप लोगों को बताएं कि भारत के अलावा भारत के लगभग 10 कंट्री के और लोग ऑस्ट्रेलिया से, इंग्लैंड से और भी कई सारे देश हैं जहां से हमारे योग करने वाले साधक भाई बहन सब उससे जुड़े हुए हैं, वो लोग भी वहां प्रार्थना कर रहे हैं। हमने ये जो प्रार्थना की है ये विश्व कल्याण के लिए ही की है, लेकिन इस विश्व कल्याण की प्रार्थना में कोरोना रूपी जो ये महामारी आई है, जो आपदा आई है, इसमें एक दूसरी दृष्टि भी हमारे बीच में है जो हम आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं। वो दूसरी दृष्टि क्या है? मन होता है कि कोरोना को थैंक्स कहा जाए। थैंक्स क्यों कहा जाए? ये शब्द थोड़ा सा अटपटा लगेगा कि थैंक्स कहने की बात क्यों करें। थैंक्स इसलिए कहना चाहिए कि उन उन बच्चों की तरफ से एक बार देखिए, जो बच्चे हमेशा सोचते थे कि काश मेरे मम्मी पापा मेरे साथ रहें। कभी ऐसा नहीं होता था, महीने में कभी वो समय मिलता था जब पापा मम्मी साथ होते थे, जब हम साथ कहीं जाते थे। इन 15 दिनों में आपके बच्चों को आपका सातत्य और सानिध्य लगातार मिल रहा है, इसके लिए थैंक्स टू कोरोना। आपके गार्डन्स में जो प्लांट्स आपने लगाए हैं, उन प्लांट्स को आप खुद पानी देते हैं, वो प्लांट्स आपको थैंक यू बोल थैंक्स टू कोरोना बोलते होंगे। आपके वो पेट्स जिसको आपने पाला होगा, जब आप उनके समय साथ समय बिताते होंगे तो वो सोचता होगा कि मेरा मालिक मेरे साथ है। आपने जो बहुत सुंदर सा घर बनाया है, उस घर में आप रहते हैं। पहले आपने घर बनाया था, रहते बहुत कम लोग थे, लेकिन घर घर तब बनता है जब साथ में सब लोग रहते हैं। अभी सब लोग साथ में रह रहे हैं, वो घर बोल रहा होगा थैंक्स टू कोरोना। ऐसी बहुत सारी चीजें होंगी। ये प्रकृति जिसे हम गंदा कर रहे थे, पॉल्यूट कर रहे थे, हमने प्रकृति का स्वास्थ्य पूरी तरीके से बिगाड़ दिया था। वैसे ही जैसे एक कोई बहुत बड़ी शादी फंक्शन कोई पार्टी हो और उसमें हम 25-30 तरीके के व्यंजन खा के कैसे हम अपने पेट का एनवायरमेंट खराब कर देते हैं इस जीव के उसमें, ऐसे हमने अपनी इस बुद्धि के कुचक्र में फंस कर, इस बुद्धि के षड्यंत्र में फंस कर हमने इस प्रकृति को खराब कर दिया था। अभी आप देखिए, दिल्ली का एनवायरमेंट कभी भी साफ नहीं होता था, लेकिन अभी वो वातावरण पूरी तरीके से शुद्ध हो रहा है, साफ हो रहा है। अभी जो आसमान में वो जो रंग है वो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। ये आसमान, ये प्रकृति कहती होगी थैंक्स टू कोरोना। आधुनिकता, भौतिकता और भोगवाद की इस दौड़ में हमने तीन काम खास रूप से किए हैं। धन और धन शक्ति को इकट्ठा किया है। क्यों किया था? कि अभाव दूर कर देंगे। हमने सामर्थ्य और शक्ति को इकट्ठा किया था, किस लिए? क्योंकि हम अन्याय को दूर कर देंगे। और हमने ज्ञान और शिक्षा को अपने अंदर स्थापित किया था, उसके लिए बहुत मेहनत हमने किया है, इसलिए कि हम अज्ञान दूर कर देंगे। मित्रों, अगर हम ध्यान से देखें तो हमारा ज्ञान और हमारी शिक्षा अज्ञान को स्थापित करने में ज्यादा सहयोग दे रही है बजाय कि ज्ञान को स्थापित करने में। आप सब जानते हैं हमारा धन हमारे था कि अभाव दूर कर देगा। हमने अभावों को दूर करने के बजाय हमने आर्टिफिशियल क्राइसिस कर दी है। हम जानबूझ के किसी चीज का स्टॉक इसलिए रोक देते हैं, दिमाग से चतुर लोग, कि इसकी क्राइसिस आएगी तो इसकी कीमत बढ़ जाएगी और हमें बहुत कुछ मिल जाएगा। और शक्ति जिनके पास है, वो शक्ति के दुरुपयोग से उन्होंने अन्याय को खत्म करने के बजाय अन्याय को ज्यादा प्रकटित किया है। तो भाइयों बहनों, तीन शक्ति होती है, लक्ष्मी शक्ति, दुर्गा शक्ति और तीसरी शक्ति होती है सरस्वती शक्ति। इन तीनों शक्तियों का दुरुपयोग किया। ये तीनों शक्तियों को फिर से सही तरीके से हम अपने जीवन में स्थान देने की जरूरत है। अब मेरे मन में जस्ट एक ऐसे क्वेश्चन आया था, क्या हम रुकने वाले थे अगर कोरोना नहीं आता तो? क्या हम विचार करने वाले थे अगर ऐसा ना होता तो? तो क्या हम कोरोना की जैसी आपदा या महामारी को कि इसे आपदा कहें या आत्मसमीक्षा कहें, इस पर विचार करते? भाइयों बहनों, इस दीप महायज्ञ के माध्यम से आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि आप एक घंटा अकेले बैठें, मौन का अभ्यास करें और सोचें कि हमने क्या, हमारे देश की जीडीपी, हमारे देश की अर्थव्यवस्था नो डाउट गिरेगी, बहुत कुछ नुकसान हो रहा है। मुझे पता है विशेषज्ञ लोग आपको बता रहे हैं, लेकिन क्या इस अर्थव्यवस्था आपके परिवार से बढ़कर ये आपकी अर्थव्यवस्था है? क्या आपकी आत्मा से बढ़कर आपकी अर्थव्यवस्था है? क्या इतनी सुंदर दुनिया में जिनके बीच में आप रहते हैं, क्या उनसे बढ़कर आपकी अर्थव्यवस्था है? क्या इस प्रकृति का जो हेल्थ है उससे बढ़कर अर्थव्यवस्था है? मुझे लगता है कि नहीं। तो शायद इस कोरोना ने हमें रुककर थोड़ा सा पॉज लेने के लिए हमको कहा है कि थोड़ा रुको और सोचो और जिंदगी में एक फिर से एक रिजोल्यूशन लो कि इस कोरोना से हम अपना लाइफस्टाइल ठीक कर लें। कैसी लाइफस्टाइल? हम फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल, इन चारों लेवल्स पे हमको फिट होना जरूरी है। कुछ लोग शरीर से बहुत स्वस्थ थे लेकिन मन से उतना ही कमजोर थे।
उनका सामाजिक सोशल हेल्थ उतना ही कमजोर था। अध्यात्म के बारे में सोचते थे कि ये तो गुफा और ग्रंथों का विषय है, जब सब कुछ जीवन में कर लेंगे सारे भोग तब करेंगे। नहीं, इसे साथ साथ ही लेके चलने की प्रक्रिया है। आध्यात्मिक बल ही वो एक बल है जो आपको इस विषम परिस्थिति में लड़ने की सूझबूझ देता है। आइए माँ गायत्री विश्व माता से, इन देव शक्तियों से, इन आध्यात्मिक प्रक्रियाओं के माध्यम से हम प्रार्थना करते हैं कि आप सभी को आत्म समीक्षा के माध्यम से वो चीज आपके अंदर घटित हो। आइए हम यहाँ से शांति पाठ कर रहे हैं, ये शांति पूरे विश्व में स्थापित हो, इसी भावना के साथ यहाँ से विशेष शांति पाठ का मंत्र हम लोग बोल रहे हैं। ओम देव शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांति आप शांति रोषदया शांति वनस्पतयः शांति विश्व देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांति रेव शांति धन्यवाद।